हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो अभी हम लोग छोले भटूरा का डो बनाएंगे। तो चलिए देख लेते हैं डो बनाने के लिए हम लोग को क्या क्या लगेगा। हम लोग लेंगे 400 ग्राम्स ऑल पर्पस फ्लोर, जिसको हम लोग मैदा बोलते हैं, 75 ग्राम सेमोलिना, सूजी, 1 टीस्पून बेकिंग सोडा और स्वाद अनुसार नमक। मैं यहाँ 1 टेबलस्पून ली हूँ, आप लोग आपके हिसाब से लीजिएगा। और 4 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो अब हम लोग डो को फर्मेंटेड करने के लिए, उसका बटोरा का जो फ्लफीनेस है उसको लाने के लिए हम लोग यूज करेंगे खट्टा दही। तो मैंने यहाँ 100 ग्राम खट्टा दही यूज किया है और इससे हम लोग का डो सॉफ्ट भी होता है। अब मैंने ले लिया है 4 मीडियम साइज पोटैटो, इसको मैं उबाल लूंगी और उबला हुआ आलू को मैं ग्रेट कर लूंगी और उसको डो के साथ अच्छे से मिक्स कर लूंगी। तो इससे भी हम लोग का डो सॉफ्ट होता है, लेकिन ये स्टेप ऑप्शनल है, अगर आप चाहे तो ये स्टेप स्किप भी कर सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा पानी यूज कर करके अच्छे से एक स्मूथ डो बना लेंगे। तो हमारा डो रेडी है और अभी हम लोग 2 टेबलस्पून ऑयल से अच्छे से ये डो को लपेट देंगे और एक क्लोथ देके इस कंटेनर को ढक के लगभग 1 आवर के लिए इसको रख देंगे। तो अभी हम लोग देखेंगे हम लोग छोले कैसे बनाते हैं। तो छोले बनाने के लिए मैंने लिया है 500 ग्राम छोले, जिसको हम लोग व्हाइट चिकपीस बोलते हैं, और इसको मैं 12 घंटे पानी में भिगो के रखती हूँ। तो 12 घंटे भिगो के रखने के बाद जब छोला फूल जाए तो उसके बाद मैं 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, स्वाद अनुसार नमक दे के इसको प्रेशर कुक करती हूँ। तो छोले का मसाला बनाने के लिए मैंने लिया है इलायची 4, दालचीनी 1, लौंग 4, तेज पत्ता 2, सूखी लाल मिर्च 4, जीरा 1 टीस्पून, प्याज बारीक कटा हुआ 2 बड़ी साइज, लहसुन पेस्ट 1 टीस्पून, अदरक पेस्ट 1 टीस्पून, टोमेटो प्यूरी या फिर टोमेटो बारीक कटा हुआ 1 बड़ी साइज, हल्दी पाउडर 1 टीस्पून, लाल मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून और नमक स्वाद अनुसार और एवरेस्ट का छोले मसाला 2 टीस्पून। तो अभी एक कढ़ाई में लगभग 3 टेबलस्पून रिफाइंड ऑयल हीट करेंगे और उसमें जो खड़ी मसाला है उसको ऐड कर देंगे। वो थोड़ा सा फ्राई हो जाने के बाद उसमें हम लोग कटा हुआ अनियन ऐड कर देंगे। अनियन को गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करेंगे और अनियन गोल्डन ब्राउन हो जाने के बाद इसमें हम लोग 1 टीस्पून अदरक पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन पेस्ट ऐड कर देंगे। इसमें अब हम लोग 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और स्वाद अनुसार नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा सा पानी देते हुए इस ग्रेवी को हम लोग फ्राई करते रहेंगे जब तक हम लोग का एक ग्रेवी टेक्सचर ना आ जाए। अब इसमें हम लोग टमाटो प्यूरी या फिर बारीक कटा हुआ टमाटो ऐड कर देंगे और 2 टीस्पून एवरेस्ट छोले मसाला ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से फ्राई करते रहेंगे जब तक हम लोग का मसाला पक ना जाए। मसाला पक जाने के बाद इसमें हम लोग सीजा हुआ छोले ऐड कर देंगे। आपके हिसाब से आप इसमें पानी भी ऐड कर सकते हैं और उसको हम लोग लगभग मीडियम फ्लेम में, एकदम लो फ्लेम में 15 से 20 मिनट तक पकने के लिए छोड़ देंगे। तो हमारा छोले रेडी है, आप लोग इसको गर्मा गर्म सर्व कीजिए। तो अभी हम लोग देख लेंगे कि हम लोग भटूरे कैसे बनाते हैं। तो हमारा 1 आवर हो गया है और हमारा भटूरा का जो डो है वो भी फर्मेंटेड हो गया है। तो अब हम लोग इसको स्मॉल स्मॉल बॉल्स में बना लेंगे और फिर उसको सर्कल्स में रोल कर लेंगे। तो फिर हम लोग इसको रिफाइंड ऑयल में फ्राई कर लेंगे। तो भटूरा हमारा फ्राई हो रहा है। तो अभी हमारा भटूरा रेडी है। तो इसको गर्मा गर्म छोले के साथ और साइड में कटा हुआ अनियन, ग्रीन चिली और लेमन के साथ इसको सर्व कीजिए और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ एंजॉय कीजिए। और मेरे चैनल को एक लाइक कीजिए और ज़रूर एक कमेंट छोड़ दीजिए मेरे लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।